ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो सितंबर में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले दो लोगों के बीच लड़ाई जारी है क्योंकि यही दो लोग अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अब असली रेस में पहुंच चुके हैं और अब आखिरी मुकाबला इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच होने वाला है और जनता और पार्टी के मेंबर इन्हीं की बात को सुनकर अपना मन बनाएंगे और वोट देंगे। जी हाँ, अब आखिरी दौर का मुकाबला चल रहा है और मुकाबला हो रहा है ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच। इसी मुकाबले को जीतने के लिए ऋषि ने ऐसा दांव खेला है कि लिज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब करें क्या। पीएम की रेस में इस वक्त ऋषि सुनक पीछे चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने जनता से एक बड़ा वादा किया है और कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो शीतकालीन योजना के हिस्से के रूप में घरों द्वारा भुगतान किए गए एनर्जी बिल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म किया जाएगा। टैक्स को लेकर उनकी नीतियों में ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि शुरुआत से ही सुनक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वो लुभाने वाली पॉलिसी से दूर रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई विवादों में आने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की खोज जारी है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य पूरे अगस्त तक मतदान करेंगे और 5 सितंबर को नए पीएम का ऐलान होगा। पीएम की रेस में ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस अभी फिलहाल चल रहे हैं। लिज ने वादा किया है कि वो बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऋषि को गैर जिम्मेदार भी बताया है। ब्रिटेन की एक सर्वे एजेंसी के मुताबिक लिज ट्रस ने पिछले हफ्ते कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान में ऋषि सुनक से 24% वोट ज्यादा प्राप्त किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऋषि सुनक की योजनाएं लागू होती हैं तो ब्रिटेन मंदी की ओर ज्यादा जाएगा। सर्वे के मुताबिक 720 सदस्यों के सर्वेक्षण में 62% की पहली पसंद लिज ट्रस ही है। वहीं 38% लोगों ने ऋषि सुनक को पसंद किया। अब देखना होगा कि इस दांव से क्या कंजर्वेटिव सदस्य सुनक की तरफ आते हैं या फिर नहीं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है और जीत किसी की भी हो सकती है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन अगर ऋषि सुनक जीतते हैं तो इतिहास रचा जाएगा।